अध्यक्ष महोदया, हमारा देश का युवान हमारे देश के भविष्य के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ हमारे देश के किसान, उसकी चिंता भी जिस प्रकार से की गई है, जरा बजट देख लीजिए, आपके समय कितना बजट खर्च होता था, हमारे समय कितना खर्च होता है, आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं, आप देख लीजिए जहां आपकी सरकारें थी एमएसपी में कितनी खरीदी करते थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करते हैं, जरा आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग, 55 महीने का सेवा भाव, ये आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नजर आएगा। और आपने 10 साल में चुनाव को ध्यान में रखते एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया, ये आपने अपना खेल शुरू किया। 10 साल हवा बनाते चलो और आंख में धूल झोंको और फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो, ये आपकी 10 वार्षिक योजना है। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की, किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया, इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया, और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था और आपने माफ कितना किया, 52,000 करोड़। ये क्या, और ये किसको जाता है, बैंक में जो बड़े लोगों से पैसे ले जाते हैं उनको जाता है, जो गरीब किसान है उसको तो बेचारे को कुछ जरूरत है, साहूकार के पास जाना पड़ता है, वो ब्याज में मर जाता है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। और उस समय जो सीएजी का रिपोर्ट है इसी सदन में रखा गया, लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े करप्शन का कारोबार चलता था कि बहुत सी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था, 2G चलता था, कोयला चलता था, न जाने क्या क्या चलता था, और कैसे कैसे लोग चलाते थे, किस समय चलाते थे। लेकिन उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे नहीं, इसमें भी दलाली, इसमें भी खेल, और इतना ही नहीं, हमने जब इस योजना को लाए हैं तो हमारा साफ मत है कि हम कैसे भला करेंगे, किसान के लिए हमारी सोच क्या रही, हमारे हजारों करोड़ रुपए, हम भी कर्ज माफी के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ किसान, उसकी समस्या का कायमी समाधान, 99 सिंचाई योजना, आज आपको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जरा तकलीफ हो रही थी, 99 सिंचाई योजनाएं जो किसी समय में, जैसे मैंने कहा नेहरू जी ने हमारे यहां एक पत्थर डाला था, मैंने जाकर के उद्घाटन किया, 99 ऐसी योजनाएं जो लटकी पड़ी थी, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन योजनाओं को पूरा करने का काम हमने किया है। हमने नए मेगा फूड पार्क, नए कोल्ड स्टोरेज को बल दिया है, हमने 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने ई नाम के माध्यम से ऑनलाइन किसानों को अपने माल बेचने के लिए व्यवस्था मुहैया की है ताकि किसान को पूरा दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस योजना में किसानों के लिए इस बार बजट में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से देने का तय किया है, ये निर्णय आने वाले दुर्गम परिणाम करने वाला है, 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी बनेंगे, आपकी अब तक की योजनाएं 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ किसानों तक सीमित थे, ऊपरी सतह के लोगों के लिए थे, 1 एकड़ भूमि वाले 2 एकड़ वाले किसान तक कभी पहुंचे नहीं थे, ये एक योजना ऐसी है कि जो 1 करोड़ 2 एकड़ छोटे किसान पर, और इस देश के 85% किसान ये हैं, इनको ये लाभ मिलने वाला है, और करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ उनके बैंक के खाते में जाएगा, कोई दलाल नहीं होगा। मैं हैरान हूं कुछ राज्य बड़े सीधा तान करके कह रहे हैं हम ये मोदी की किसान योजना को नहीं लेंगे, अरे वहां के जरा किसान को तो पूछो भाई, 6,000 रुपये आना है, लेना है कि नहीं लेना है, आपको तो 1 रुपया देना नहीं है, सीधा जाने वाला है,
लेकिन राजनीति में ऐसा पागलपन कुछ लोगों का हो जाता है, घोषणा कर देते हैं ये योजना का लाभ नहीं देंगे। अरे अपने किसानों की चिंता करो, आयुष्मान हम नहीं लेंगे, अरे अपने यहाँ गरीब की चिंता करो, ये राजनीति चलती रहेगी, ये खेल करना बंद करो और अपने गरीब और किसानों की चिंता करो। किसान साहूकारों का ऋण लेने वाले छोटे किसानों की कोई कर्ज माफी होती नहीं है। मैं जरा कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ, और आप कर्नाटक के हैं, अब आपका और किसान नेता स्वयं यहाँ बैठे हैं, हमारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी अपने आप को एक किसान पुत्र के रूप में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। आपकी सरकार आपने बड़ी घोषणा की थी और हमें कहते हो कि घोषणाएं करके मोदी ने वोट ले लिया। आपने कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था, इसके लाभार्थी 43 लाख अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कर्नाटक का 43 लाख उसके हितकारी हैं और अभी तक सिर्फ 60,000 लोगों को लाभ। ये मैं आपके सरकार की बात बताता हूं, 43 लाख में से 60,000, और आप दुनिया को कर्ज माफी के नाम पे बता रहे हो 10 दिन में कर्ज माफी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर के आइए, वहां अभी तो कागज पे चिट्ठियां नहीं बन पा रही है। 10 दिन में आप बातें बड़ी बड़ी करते थे, और मैं बता रहा हूं आपका 10 वर्ष का सर्कुलर, 10 वर्ष का आपका खेल, 10 वर्ष के खेल में आप एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपया माफ करते हैं 10 साल में एक बार, और ऊपर के जो 2-3 करोड़ किसान हैं वही उनके हितकारी होते हैं, पहुंचता तो है नहीं। हमारी योजना है प्रतिवर्ष 10 साल का मैं हिसाब लगाऊं तो किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपया जमा होगा। कहां 50-52 हजार का खेल और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के हाथ में जाएगा। इतना ही नहीं, हमने इस बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, मछली पालन करने वाले किसानों के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था वालों के लिए भी, जो किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट किसान को मिलते थे वो पशुपालक को भी और मछली पालन वाले लोगों को भी मिलने वाले हैं, इसका फायदा होने वाला है।